और परिवार पूरा परेशान है। परिवार के आप हालात भी देख सकते हैं, किस तरह के परिवार के हालात है। माँ और दादी रो रो का बुरा हाल हो रहा है। इस फोटो में आप केशव को देख रहे हैं, जो बीटेक का स्टूडेंट है और 4 दिन से घर नहीं पहुंचा है, जिससे परिवार है पूरा दुखी है, परेशान है। और माता जी बोल भी इनसे बताने की भी हालात में नहीं है, क्योंकि याद आती है जो भी त्रिपाठ किया हुआ। बिल्कुल नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल कैथल केशव के परिवार के पास पहुंचे हैं। केशव है जो 2 दिन से लापता है और पूरा परिवार दुखी है, वो परिवार आप देख रहे हैं। और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो आप फोटो देख लियो अगर केशव की, जो बीटेक का स्टूडेंट है और 19 साल की उम्र बताई जा रही है। तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है, क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा परेशान है, 2-3 दिन से ढूंढ रहा है। चार दिन हो गए हैं, 4 दिन से परेशान है, पूरा पूरा जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। और आसपास की लोकेशन ने बताया जाए, कभी टीक है, कभी कैथल, आसपास बताया जावे। कैथल के चंदाना गेट के पास से केशव है और परिवार पूरा परेशान है। परिवार के आप हालात भी देख सकते हैं, किस तरह के परिवार के हालात है। माँ और दादी रो रो का बुरा हाल हो रहा है कि केशव किसी तरह से मिल जाए। तो आपने पहचान करनी है केशव की, फोटो आप एक बार दोबारा फिर देख सकते हैं। इस फोटो में आप केशव को देख रहे हैं, जो बीटेक का स्टूडेंट है और 4 दिन से घर नहीं पहुंचा है, जिससे परिवार है पूरा दुखी है, परेशान है। और माता जी बोल भी इनसे बताने की भी हालात में नहीं है, क्योंकि याद आती है जो भी त्रिपाठ किया हुआ। बिल्कुल है। दादी जी कब गया केशव? 7 बजे। क्या तारीख को गया था? सोमवार को। हाँ। कॉलेज में गया था? कॉलेज में गया। और कपड़े कैसे पहन रहा था? बच्चे स्कूल की कॉलेज की ड्रेस। कॉलेज की ड्रेस पहन रहा। हाँ। तो उसके बाद वापस कितने बजे आया करता घर डेली? वैसे तो बेटे शाम ने ना कुरुक्षेत्र से कम बस मिला करती, तो वो बस मिलती थी कभी 7:30, 7:45 ऐसा टाइम हो जाता। मतलब डेली अप डाउन करा करता है कुरुक्षेत्र में करता। अप डाउन कर रहा था। तो सोमवार को वापस ही नहीं आया? आया नहीं बेटे। 5 बजे उसकी मम्मी की बात हुई, बोले केशव कॉलेज की छुट्टी होगी बेटे। बोले मम्मी मैं ना वो खड़े हूँ वहाँ कॉलेज के सामने और बस नहीं मिली। 5 बजे फोन में बात हुई है। उसके बाद जब उसे टाइम फोन बात करते करते बंद हो गया, फोन बंद हो गया। तो वापिस घर भी नहीं पहुंचे। कुछ पता चले जो उसके स्टूडेंट है, जो कॉलेज के साथी हैं, उसको पता चले? वो तो बेचारे बहुत मदद कर रहे हैं, बल्कि ढूंढने मदद कर रहे हैं। हाँ, किसी तक कोई ना झगड़ा ना कोई बात कुछ भी नहीं बैठे उसके। सारे मोहल्ले में आप तहकीकात कर सको, वो किसी तक फालतू बोल रहे नहीं, घर में भी नहीं बोल रहे कभी। 7 जुलाई 19 साल का है। हाँ। और कितने दिन से पढ़ा कर रहे कुरुक्षेत्र? बेटे 4th साल यो शुरू होने वाला है। 24 में 3 साल का कोर्स पूरा हो गया उसका, बस यो 4th साल ही 24 में कर रहे है। 3 साल पूरे हो गए। तो अभी जैसे ढूंढने के लिए कोई पता लगे आसपास कहीं पे? बेटे हम तो बहुत क्राइम ब्रांच में भी दिया, सब जगह केस दे रखे, बच्चा नहीं मिला। बस मतलब ढूंढ तो रहे हर जगह, ढूंढ कहीं नहीं, हमने जगह छोड़ी भी, थाने में होकर आए वो, और अपने यहाँ शहर के MLA हैं इसके पास भी करवाया, जो लेडीज है यहाँ की, मतलब पुलिस में भी दे रहे हैं, पुलिस भी छानबीन में लग रही है, छानबीन में लग रही है पूरी। उस पुलिस में हमारा रिश्तेदार भी है, वो पूरी कोशिश करने लग रहा। हाँ, बार बार बेटे हम तो बोलने की हालत में भी नहीं रहे, इतना बुरा हाल है। आपकी जब बात हुई थी जी, क्या कुछ बता रही थी केशव? बस यही कहा था मम्मी, बस मैं 5:30 या 4:30 फोन करती हूँ उसको, भी बस मिल गई या नहीं, सीधी या बीच में कई बार बदलनी भी पड़ती है, नहीं बदलनी पड़ती है उसको। उसने कहा था मम्मी एक बस भरी हुई है, कंडक्टर से पूछा हमने, वो कह रहा पीछे बस आ रही है। ये 2 लाइन बोली थी, उसके बाद कोई फोन नहीं मिल रहा उसका, फोन बंद हो गया है। फोन बंद, कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है भैया। सुबह 7 बजे शक्ल देखी थी, आज 4 दिन हो गए। तो अकेले गए? कोई साथी भी होगा उसका, साथी पढ़ने वाला? कोई भी नहीं है, हमने वीडियो भी कैथल की वीडियो भी निकलवाई है, उसमें अकेला जा रहा आराम से, कोई फोन भी नहीं बात कर रहा। दो है, एक बड़े वाला तो पागल होने वाला, ढूंढ रहा उसको, उसके पापा पूरा परिवार है, मेरी सारी उसकी चाची ताई सबका लाडला, पूरी गली का, कोई ऐब नहीं है कोई लड़की का, कुछ भी नहीं है उसके। मतलब एक सिंसियर लड़का होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते आज के टाइम में ऐसा, मतलब ही नहीं भैया, कोई भी नहीं है, बड़े प्यार से रहते हैं। छोटा मोटे झगड़े तो भाई वो क्या है, 5 मिनट बाद वैसे के वैसे। काम मेरे साथ हेल्प करवाना, दूसरों की हेल्प करना, मतलब आप आ गए हो तो आपकी, वो खुद ही मैं बैठी हूँ चाय पानी, आपको लगेगा नहीं कि मैं
कुछ हुआ ही नहीं इतनी मत जब तक वे उसकी बड़ाई करोगे। घर में कोई कह सुनी हो तो मतलब मतलब ही नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, वरना वो भी यूं भी कहने में क्या है, लेकिन हुआ ही नहीं, खुश होके गया। बल्कि रोज तो दो तीन दिन से जा नहीं रहा था, मम्मी सुबह 7 बजे वाली में जाऊंगा, मैंने मना भी करा, मैं बेटे ठंड है 8:30 बजे चला जाइयो, कहता नहीं मैं जल्दी जाऊंगा। बस वो पूरे 7 बजे 7:02 में नीचे उतरा था, दादी से ऑटो का किराया लिया, उसके बाद हमने शक्ल भी नहीं देखी उसकी। अच्छा अभी ढूंढ रहे, कोई पता लगा, कोई लोकेशन मिली? एक बार बताया था, रात फोन आया था, जैसे मीडिया वाले आए थे उन्होंने, ऐसे ही किसी भले इंसान ने बताया था रात को 9:30 बजे की हमने टीक में देखा है इसको, पूरी फैमिली वाले गाड़ियां भर के गए हैं, पूरा 2:30-3 बजे आए हैं वो, एक एक पत्ता गया, पेड़ गया, सब पटरी पे, जहाँ उनको लगा ना कि चीखे मार मार के केशव कहाँ है। सुबह भी गए हैं 7 से, अभी तक कोई जेंट्स वापस नहीं आया घर पे। 7 बजे टीक में बोल रहे हैं कि फोटो दिखाने के बाद कि हाँ ये ही लड़का हमने देखा है, हमने देखा है, लेकिन हमने नहीं, हम परिवार वालों ने अभी तक नहीं देखा उसको। यूनिफॉर्म कैसी है कॉलेज की उनकी? अगर ग्रे कलर की तो उसकी पैंट है, डार्क थोड़ा सा ब्लैक जैसे भैया की तो अलग है, और लाइनिंग में शर्ट है, ऊपर प्लेन, बिल्कुल प्लेन, एक पतली सी वो कोटी टाइप होती है वो डाल रखी, प्लेन बिल्कुल, बस चश्मा। नहीं नहीं स्ट्रेस है ही नहीं उसको, स्ट्रेस नहीं है किसी चीज का भी, रिलैक्स रहता है वो, कोई डिमांड नहीं है घर में, कोई किसी चीज की जो भी तो टेंशन हो रही है। परिवार में किसी के साथ तो बात करते हो खुल के, ने कुछ बात करियो खुल के, कुछ भाई से करता वो, मेरा फैमिली, मेरा घर ही माहौल ही ऐसा है, घर का माहौल, अपने पापा से पूरे दोस्त की तरह रहते हैं, मेरा भी खुद का दादी उसकी दोस्त की तरह रहती है, हम बच्चों से खुल के बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेज में सारा पता। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? जिंदगी में नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, 3.5 साल हो गए जाते हुए। हाँ हॉस्टल है, वहाँ के बच्चों के भी कॉल आ रहे, पूरा कॉलेज छान मारा हमने, गए थे मंगलवार सुबह, दिन में आए हैं, पूरा कॉलेज ने भी हेल्प करी हमारी, दो दफा गए। कुरुक्षेत्र तो चंदाना गेट बना रखा हमने, अब तो ऐसे जा रही पूरा परिवार हमारा। नहीं सब यही पूछ रहे आंटी कहाँ गए, उन्होंने फेसबुक से देखा, वो उनके ही कॉल आ रहे हैं, अभी वो जा सकता है कहीं, यकीन नहीं आ रहा। जो उनके कॉलेज के छात्र है उन्होंने बताया कि आज थोड़ा टेंशन में था, किसी प्रकार की बात नहीं, लड़कियों 2-3 लड़कियां उसकी फ्रेंड, सुबह 7 बजे तो निकल गया था, उसकी लड़कियां सर्कल में जैसे क्लासमेट होती हैं, लड़के भी हैं उनका, उन्होंने भी कहा ना कोई लड़की की बात है अंकल, बिल्कुल फ्रेश माइंड, खाना पीना मस्त, बस 3 कपड़े पहनने का शौक है उसको और कुछ नहीं है, वो टिप टॉप रहता है और कोई भी मतलब नहीं है उसका, कोई ऐब है, बिल्कुल ही सिंसियर लड़का है और कोई भी मतलब नहीं है, बस यही अपील है कि मेरा बच्चा जहाँ भी देख रहा है कोई भी किसी प्रकार से है ना, मेरे घर चंदाना गेट के अंदर ही है, अब चंदाना गेट आके ही हमें कॉल कर दो प्लीज, कि ये भाई आपका बेटा हमने हाथ पकड़ा हुआ है उसको बिठा लो, हम पुलिस की टीम भी जुट रही है, कर तो रही है अपने हिसाब से उनकी जैसे इंक्वायरी होती है, क्योंकि हमारे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ भैया पुलिस का, हमने तो कभी कुछ नहीं, घर से स्कूल में जॉब करती हूँ, बच्चे बस हम तो ही है, वो तो अगर छुट्टी भी है ना तो आपको अंदर बेड पे ही मिलेगा फोन चलाता हुआ, घर से बाहर नहीं। केशव के पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर संजीव कुमार। मिस्टर संजीव कुमार, तो केशव की आपको एक बार और फिर फोटो दिखा रहे हैं आपको, आप ये फोटो देख रहे हैं और ये फोटो आप देख रहे हैं, अगर जो जहां भी आपको नजर आए तो परिवार का नंबर दे रखे स्क्रीन पर, नंबर चल रहा है उस नंबर पर आपने कॉल करना है। केशव पिता का नाम है संजीव जी, संजीव कुमार पिताजी का नाम है, संजीव मोहन और केशव मोहन, तो और भाई अभी, और भाई अभी है अभिषेक है, तो इन परिवार के जो नंबर दे दिए हैं चंदाना गेट के पास से है जो केशव मोहन है, तो इस वीडियो को आपने शेयर करना, और परिवार पूरा दुखी आज परेशान है, 4 दिनों के ढूंढ रहे, दिन रात एक कर रखे है, परिवार का खाना छूट रहा है, दिन रात हो गए घूम फिर रहे हैं इधर उधर, और सोना भी नींद भी है जो खत्म होगी, परिवार की भूख खत्म होगी है। 10 बजे के जेंट्स निकले हो पूरी फैमिली के, छोटे से बड़ा, ये पता नहीं कैसे रह गया, ये भी मेरे देवर का लड़का, मतलब कि पूरा परिवार मेरा, जिनको हम जानते नहीं ना वो भी कह रहे हैं हमारी मदद ले लो, क्योंकि मेरा बच्चा इतना सबका प्यार दुआ सबकी मिल रही है, मतलब सभी मोहल्ला वाले तो सहयोग कर रहे हैं, अभी पूरा सपोर्ट है, मैं यूं नहीं बोलूंगी, मेरे रिश्तेदार जो भी अनोन है पर्सन है ना, उनके भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि हम ढूंढेंगे,
बस मेरी ये अपील है जिसको भी मिले ना वो अपने साथ चंदाना गेट कैथल के में यहाँ ले आए, भाई इधर देखा देखा ना करे कि हमने देखा है, चाहे वो टाइम कोई भी हो, हम अगर उनका कोई खर्चा भी लगता हम वो भी दे देंगे, बस ये है कि चंदाना गेट आ जाए या फिर उसको बैठा ले, हम लोकेशन बता दे हम चले जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने टीक देखा वो सिर्फ ये कह रहे कि हमें पता था हमने देखा, अभी वही बात है ना, जब तक हमने नहीं देखा तो बता रहे उसके जो वो कपड़े भी चेंज हैं और वो सिर्फ एक बैग में लोई लेके गया, एक किताब है, चश्मा लगाता अच्छे से, दाढ़ी है उसके, बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भी इंसान देख रहा है ना जिसको दिखे वो प्लीज उसको किसी भी, आपने जी कुछ खिला पे बोल रहे हैं टीक वाले बोल रहे की वो अपने आपे में नहीं है अपनी धुन में ही है, मतलब की वरना वो तो इतना सिंसेयर है ना, आप मिलो कह रहे हैं शक्ल है उसकी अब की एक बार दिखा, ये तो क्लीन सेव है, ये इसमें है, ये हमें दूसरे भी यही फोटो चलो उसमें लगा दें, वीडियो में लगा देंगे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना और आपने केशव कहीं भी नजर आए तो आपने परिवार के नंबर दे दिए हैं, संपर्क करना है या फिर आप अपने पास बैठा लो, परिवार के पास कॉल कर दो, परिवार खुद लेने के लिए आ जाएगा, चंदाना गेट के पास से है जो केशव है और परिवार पूरा दुखी आज परेशान, आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि केशव है जो मिल सके परिवार ने।